हरे कृष्णा दर्शकों, आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी भगवान की प्रसाद ज़रूर पाए होंगे। ये सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अचानक से प्रसाद के बारे में क्यों बोल रही हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। क्या आपको पता है, प्रसाद पाना भी एक प्रकार की भक्ति है। सिर्फ प्रसाद पाने से किसी को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब आप ये पूछेंगे कि हमने तो आज तक बहुत प्रसाद पा लिए और खूब शौक से पा लिए, हमें तो नहीं हुए। इसके लिए ही तो आज का ये वीडियो है दोस्तों। हम जब प्रसाद पाते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि थाली में क्या क्या परोसा जा रहा है। लड्डू, पूरी, कचौड़ी, जलेबी, खिचड़ी। प्रसाद वस्तु के ऊपर से कभी मापा जा ही नहीं सकता है। प्रसाद भी भगवान स्वयं होते हैं। जब भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं तुलसी दल छोड़कर, और भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं उस वस्तु के ऊपर, तब वो प्रसाद बन जाता है। उस पर भगवान की कृपा कण कण में मिला हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है भगवान जगन्नाथ जी की एक कण का महाप्रसाद एक मरणासन्न व्यक्ति को नरक जाने से बचा सकते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति तक करा सकते हैं। तो आप सोचिए, प्रसाद का भक्ति कितनी बड़ी भक्ति है। लेकिन हमारे अंदर अभी तक वो बुद्धि नहीं आई कि हम ये सोच कर पाए कि ये साक्षात भगवान की अदरामृत है। प्रसाद पाते समय हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम प्रसाद पाते हैं उस समय हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, प्रसाद पाते पाते मैंने देखी ऐसी बहुत लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, भाई इसमें तो नमक कम है, चीनी थोड़ा ज़्यादा होता खीर में तो अच्छा होता। ये चीज़ जब ही हम सोच लेते हैं उसमें अपराध होने लगता है, हमारा भक्ति भंग होने लगता है। कैसा भी हो, जब वो चीज़ भगवान को अर्पण हो चुका है, मतलब ये भगवान की अधरामृत है, इसमें किसी भी प्रकार की हम त्रुटि नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा भी हो, हमें पा लेना चाहिए भगवान की नाम लेकर। दूसरी बात, अगर प्रसाद अगले दिन का हो जाता है, लोग क्या करता है, उसको गरम करते हैं। ये भी एक प्रकार की अपराध है। अगर आपका दूध प्रसाद ठंडा हो गया है फ्रिज में रखने की वजह से, तो आप अलग से दूध को, अमोनिया जो दूध होते हैं, मतलब जो भोग नहीं लगा है, उसको लेकर आप उस प्रसादी दूध में मिला लीजिए, तो इससे कोई अपराध नहीं बनता है। प्रसाद जब आप पाने बैठो उस समय आपको भगवान की जयकार अवश्य लगानी चाहिए। हम वैष्णवों का एक विशेष मंत्र होते हैं, वो मंत्र है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्माणि वैष्णवे स्वर्ग पुण्यवंता राजन विश्वास नैव जायते। हे प्रभु, हम जैसे स्वल्प विश्वासी पापी व्यक्तियों के ऊपर इस प्रसाद के रूप पर आप कृपा कीजिए। यही है इस मंत्र का अर्थ। तो ऐसा नमस्कार और जयकार करके हमें प्रसाद को पाना चाहिए। और एक बात का तो अवश्य ध्यान रखिए कि आधा अधूरा प्रसाद पाके आप भूलकर भी मत उठिएगा, और अगर आपका पेट भर गया तो उसको फेंकने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। जितना आपको आवश्यक है उतना लीजिए और उसे पूरी पाइए। एक भी कण बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी कण ब्रह्म होते हैं, भगवान स्वयं होते हैं। प्रसाद पाने के बाद बाथरूम की नलके में जाकर कृपया कुल्ला मत करना, क्योंकि हमारी मुँह के अंदर भी प्रसाद का कहीं कण लगा हुआ होता है, तो जो दांतों के बीच फंसा हुआ होता है। अगर आप बाथरूम के नलके के अंदर जाकर अपने मुंह को धोते हो, कुल्ला करते हो, तो वो क्या होता है, वो आपके मुंह के अंदर जो प्रसाद का कण होता है वो बाथरूम के नलके से बाहर चले जाते हैं। इससे भी आपको अपराध लगता है।
तो अच्छे से पहले आप भगवान की चरणामृत या फिर प्रसादी जल से पहले कुल्ला करके उसे पी लीजिए। एकदम एक भी कण अपने दांतों में मत फंसा कर रखिए, चेक कर लीजिए, फिर जाकर आप नलके में अपना हाथ मुँह धो सकते हो। तो फिर भी प्रयास कीजिए कि बाथरूम की नलके में जाकर हाथ मुँह ना धोए तो बेहतर है। अगर आप इसी निष्ठा से प्रसाद को पाना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, आपको भगवान की प्राप्ति होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत काम आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगली बार से प्रसाद पाते वक्त ध्यान ज़रूर रखना। राधे राधे।